नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पर केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए क्लर्क और ऑफिसर जैसी पोस्टों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप लोग यहां पे डेट भी देख पाएंगे, 1/8/2020 यानी कि 1 अगस्त से लेकर आप लोग 16/8/2020 यानी कि 16 अगस्त तक घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इन भर्तियों के लिए कर पाएंगे। साथ में हम बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट के साथ साथ यहां पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे क्लर्क की पोस्ट है, जहां पर आपका केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है। आप लोग यहां पे चेकआउट कर पाएंगे। इसके साथ यहां पे सैलरी के बारे में पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है दे दिया गया, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। क्लर्क के लिए आपको 31,540 रुपए और यहाँ पे आपका जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल है आपको यहाँ पे आपको 42,020 रुपए पर मंथ का स्टार्टिंग में दिया जाएगा। सिलेक्शन की बात करें तो बिना किसी एग्जाम के केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे आप सभी का सिलेक्शन होना है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जहां पर मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि बिना किसी रिटन एग्जाम के आपका सिलेक्शन केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। साथ में ऑल इंडिया जॉब यानी कि भारत के सभी राज्यों से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आपको दो तरह की टोटल नंबर ऑफ पोस्टें मिलेंगी, एक तो क्लर्क हो गया और एक ऑफिसर्स की, जहां पर ऑफिसर्स के लिए 12वीं के साथ ग्रेजुएट और क्लर्क के लिए केवल और केवल 10वीं पास होना जरूरी होगा। और यहां पे आपको सैलरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। आगे चल के हम आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। बस आप सभी लोग वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, आपको इस भर्ती में डायरेक्ट आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आप लोग यहां पे कमेंट करते हो वहां पे फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं 7/7/2020 का बड़ा अपडेट है। बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए। bankofindia.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग गूगल पे जाके mponline.co.in टाइप करिएगा, आपको और भी बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद यहां पे वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं, तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो वेरियस हैं और इसके अलावा आपको ऑफिसर्स और क्लर्क की पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो फॉर्म भरे जाने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर आप लोग लास्ट डेट 16 अगस्त 2020 देखने को पाएंगे और यहां पे आपको इसी डेट तक अप्लाई भी कर देना है। बात करते हैं एज के बारे में, तो आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 30 साल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एज में छूट भी मिलने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 200 यानी कि 200 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगा और एससी एसटी पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए केवल और केवल 50 रुपए एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस भर्ती को रिक्रूट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो स्टेट है, कौन कौन से राज्यों से अप्लाई करेंगे, आप लोग इसको भी चेकआउट कर पाएंगे। बात करते हैं अब सैलरी के बारे में, तो ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको 23,700 रुपए से लेकर 42,020 रुपए और क्लर्क के लिए आपको 11,765 रुपए से लेकर 31,540 रुपए पर मंथ का देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन 10वीं क्लर्क के लिए और ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग 16 अगस्त 2020 तक अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू और डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होने वाला है। अब आता है मेन बात, जो कि इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन है। अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया, सबसे पहले आपको डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन वाली बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड की एक बटन आ जाएगी, नेट स्लो इसलिए लोडिंग लेने में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, डाउनलोड की बटन आ चुकी है और आपको इस डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपका जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड होकर पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप लोग देख पाएंगे BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी है, जहां पर आपका नोटिस नंबर 2020 और 21 है। साथ में यहां पे आपका जो डेट है वो 1/8/2020 से लेकर 16/8/2020 तक अप्लाई करने का है और साथ में आपका जो कट ऑफ है डेट एज क्वालिफिकेशन 1/7/2020 को यहां पे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में रिवील कर दिया गया था। इसके अलावा आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बोला गया कि अगर आप लोग पोस्ट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं तो आप लोग जो है तो अप्लाई कर पाएंगे रेस्पेक्टिव पोस्ट में। आपका जो यहाँ पे नेशनलिटी और सिटीजनशिप है, एक कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा ऑफिसर की पोस्ट के लिए 18 से लेकर 25 साल की एज है, जहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए और क्लर्क के लिए 18 से लेकर सेम यहाँ पे 25 साल और यहाँ पे आपका केवल 10वीं पास होना जरूरी होगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डिवाइडेड है, आप लोग इसको चेकआउट कर पाएंगे और
एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करते हैं पेमेंट वेतन के बारे में, तो आपको ऑफिसर के लिए यहाँ पे 42,020 और क्लर्क के लिए 31,540 रुपए दिए जाएंगे। सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपका जो है तो यहाँ पे इंटरव्यू होना है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट में कितना किसको रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोग देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा इंटरव्यू के टाइम पे उसको देखिए। सबसे पहले तो आपका वैलिड कॉल लेटर होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट आउट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, और प्रूफ के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ का जो मार्कशीट है यहाँ पे SSLC 10वीं लेवल का वो होना चाहिए, और फोटो होना चाहिए आपके पास आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। यही सब डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल 16 पेजों का PDF है, तो इसके अंदर बहुत सारी जानकारी और भी बताई गई, तो आप लोग इसको भी आराम से चेकआउट कर पाएंगे। बात करते हैं पेमेंट यानी फीस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी यहाँ पे बताया गया जनरल और अदर के लिए 200 रुपये प्लस यहाँ पे SC ST PWD के लिए केवल 50 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल यानी कि ये लौटेंगे नहीं, जो पैसे आपके फीस में लगेंगे नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया, जैसे कि कैसे कितना फोटो का साइज होगा, अपलोडिंग करते टाइम हम लोग बैक लेते हैं और अप्लाई ऑनलाइन वाली बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन वाली बटन पर क्लिक करेंगे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि ibps.ibps.in यहाँ पे बोला गया कि योर डिवाइस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज, यानी कि मैं इसको मोबाइल से ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एरर मेरे सामने आ रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी ऐसा साधन है जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा, बिकॉज ये मोबाइल में ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।